दोस्तों, अगर आप भी नेवी एसएसबी इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और अगर आप अपनी नेवी एसएसबी इंटरव्यू को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना चाहते हैं तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि ये कंप्लीट गाइड देगी आपको 5 डे डिटेल्स इन नेवी एसएसबी इंटरव्यू। तो यहाँ पे हम बात करेंगे प्रिपरेशन की, बुक्स की, टाइम टेबल्स की एंड स्ट्रैटेजी की इन डिटेल, तो वीडियो ध्यान से ज़रूर देखिए। तो आप बात करते हैं 5 डे नेवी एसएसबी इंटरव्यू इन ब्रीफ। तो जैसे कि आपको पता है, नेवी एसएसबी इंटरव्यू एक कंप्लीट 5 दिन का प्रोसेस होता है, जहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे रिपोर्टिंग के साथ, जो कि सिलेक्शन सेंटर पे आपकी रिपोर्टिंग होती है डिपेंडिंग अपॉन आपके कॉल अप लेटर्स के, एंड उसके बाद होता है आपका डॉक्यूमेंट्स चेकअप, उसके बाद डिपेंडिंग अपॉन द टाइम यू रीच आपका ब्रेकफास्ट एंड लंच होता है एग्जामिनेशन से पहले, और उसके बाद आपको ब्रीफिंग दी जाती है रूल्स एंड रेगुलेशंस की बाय द ऑफिसर एंड फॉर्म फिलिंग होती है। डे 1 टेस्टिंग की अगर हम बात करें तो इसमें आते हैं आपके 4 टेस्ट, जो कि होते हैं OIR, OLQ, PPDT, नरेशन एंड ग्रुप डिस्कशन। तो ये 5 टेस्ट जो हैं ये आपको कंप्लीट करने होते हैं डे 1 पे, जिसमें OIR, OLQ टेस्ट जो हैं वो 15 मिनट के एक होते हैं, जो MCQ टाइप क्वेश्चंस होते हैं, इससे आपको 50 क्वेश्चन मिलते हैं सॉल्व करने के लिए। जो दूसरा टेस्ट होता है इंपॉर्टेंट, वो होता है PPDT टेस्ट, जिसमें आपको टोटल 5 मिनट मिलते हैं, 30 सेकेंड जो मिलते हैं पिक्चर परसीव करने के लिए एंड 4.30 मिनट्स मिलते हैं आपको स्टोरी लिखने के लिए। उसके बाद होता है आपका इंडिविजुअल नरेशन फॉलोड बाय ग्रुप डिस्कशन, जहाँ पे आपको एक कॉमन स्टोरी कंक्लूड करनी होती है और असेसर्स आपके ग्रुप को सामने बैठ के असेस कर रहे होते हैं। जो कैंडिडेट स्क्रीन आउट हो जाते हैं वो सेम डे घर चले जाते हैं और स्क्रीन्ड इन कैंडिडेट्स जाते हैं नेक्स्ट डे। तो अगर आप भी एसएसबी इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हियर इज अ कंप्लीट पैकेज ऑफ एसएसबी इंटरव्यू प्रिपरेशन, जो कि बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, आप ऐप डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। नाउ बात करते हैं डे 2 की टेस्टिंग की, जिसमें आते हैं टैट, वैट, SRT एंड सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट। स्टार्टिंग विद टैट, यहाँ पे आपको बैक टू बैक 11 पिक्चर्स दिखाई जाती हैं, जिसके अराउंड आपको स्टोरी लिखनी होती है, एंड जो 11th पिक्चर होती है वो होती है ब्लैंक पिक्चर, यानी उस पर आपको स्टोरी खुद से लिखनी होती है। उसके बाद नेक्स्ट टेस्ट होता है वैट का वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, इसमें बैक टू बैक आपको 60 वर्ड्स दिखाए जाते हैं और हर्ड वर्ड लिखने के लिए आपको मिलते हैं 15 सेकेंड। इसके बाद आता है आपका सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, जो कि एक बुकलेट ऑफ क्वेश्चंस होता है, जिसमें आपको अलग अलग सिचुएशंस मिलती हैं जिसे सॉल्व करने के लिए आपको मिलते हैं 30 सेकेंड्स और क्वेश्चंस होते हैं 16। उसके बाद लास्ट में होता है सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट, जिसमें आप अपने आप को सेल्फ डिस्क्राइब करते हैं 5 टॉपिक्स के इर्द गिर्द, वो क्वेश्चंस आपको बताते हैं, आपके SSS डिटेल जो है वो पैकेज में अवेलेबल है, फॉलोड बाय इंटरव्यू। तो यहाँ पे आपका खत्म होता है साइकोलॉजी टेस्ट एंड बैक टू बैक फिर आपके इंटरव्यूज होते हैं। फिर आता है आपका डे 3 डिटेल्स, जिसमें टोटल 9 टेस्ट होते हैं, जिसे हम GTO डे भी बोलते हैं, और ये 2 दिन चलता है 3 और 4। तो ये लिस्ट ऑफ टेस्ट हैं जो अलग अलग आपके GTO के दिन पे होते हैं। बहुत सारे टेस्ट ऐसे होते हैं जो आपको ग्रुप में परफॉर्म करने होते हैं, जैसे कि ग्रुप डिस्कशन हो गया, जहां पे आपको करंट अफेयर्स के टॉपिक के अराउंड डिस्कशन करना होता है। उसके बाद लेक्चरेट होता है, जो कि आपको अपने ग्रुप के साथ एक लेक्चर की तरह 3 मिनट का परफॉर्म करना होता है एक्सटेम्पो जैसे रैंडम टॉपिक्स पे। उसके बाद होता है इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स, यहाँ पे आपको 10 ऑब्स्टिकल्स को क्रॉस करना होता है इंडिविजुअली, तो ये आपका एक इंडिविजुअल टास्क हो जाता है। एंड देयर आफ्टर होते हैं कमांड टास्क, जहाँ पे आप कमांडर होते हैं, आपको दिए जाते हैं 2 सबॉर्डिनेट्स और आपको कुछ सपोर्ट आइटम्स मिलते हैं, जिनकी मदद से आपको एक टास्क को सॉल्व करना होता है। उसके बाद होता है GPE टास्क, जिसमें आपको एक सिचुएशन दिखाई जाती है, इंडिविजुअली आपको इसको सॉल्व करना होता है, देयर आफ्टर ग्रुप में इसे डिस्कशन करना होता है। उसके बाद आते हैं ऐसे टास्क जो आपको ग्रुप में सॉल्व करने होते हैं, जिसमें आपके ग्रुप रेस हो गई, जिसमें आपके बहुत अलग अलग टास्क होंगे, सो दिस इज ऑल्सो नोन एज फंड रेस, जहाँ पे बहुत सारी टास्क होते हैं आपके ग्रुप्स में। उसके बाद आपका आ जाता है प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, हाफ ग्रुप टास्क एंड फाइनल ग्रुप टास्क, जो आपके सपोर्टिंग मटेरियल्स की हेल्प से होता है, एंड आपके ग्रुप वाइज फुल ग्रुप के साथ एंड ग्रुप को हाफ करके भी ये टास्क परफॉर्म किया जाता है, सो दैट टू चेक आउट द एबिलिटी ऑफ ऑल द कैंडिडेट्स यहाँ पे लॉजिकली। उसके बाद आ जाता है आपका डे 5 टेस्टिंग, जो कि होता है आपका कॉन्फ्रेंस दिन, यहाँ पे आपको लास्ट अपॉर्चुनिटी मिलती है, जहाँ पे असेसर्स आपसे 2 से 3 मिनट का मैक्सिमम इंटरेक्शन करते हैं, एंड डिपेंडिंग अपॉन योर परफॉर्मेंस थ्रू आउट द सिलेक्शन सेंटर आपका जो है मार्क्स यहाँ पे असेस होता है फाइनली। उसके बाद आपको ब्रेक मिलता है एंड फाइनली होता है रिजल्ट अनाउंसमेंट आफ्टर 2 और 3 आवर्स ऑफ इवेलुएशन। रिजल्ट अनाउंसमेंट में चेस नंबर्स को कॉल किया जाता है, जो चेस नंबर सेलेक्ट
सेलेक्ट होते हैं उन्हें फाइनली मिलता है ये रिकमेंडेड चेस्ट नंबर्स, और उसके बाद ही कैंडिडेट्स जाते हैं मेडिकल्स के लिए. वंस आपके मेडिकल्स क्लियर हो जाते हैं, देयर आफ्टर यू गेट योर ड्रीम जॉब विच इज़ यू नो बीइंग ऑफिसर एंड जॉइनिंग ऑफ एकेडमी. सो एंड डिटेल्स अबाउट द 5-day कंप्लीट नेवी SSB इंटरव्यू इन डिटेल. और अगर आप इसी तरह की प्रिपरेशन और इन्फॉर्मेशन को चाहते हैं तो आप डाउनलोड कर सकते हैं गवर्नमेंट क्रैकर्स के ऐप को. यहाँ पे आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे. यहाँ पे आपको फ्री मॉक टेस्ट मिलेगा, बुक्स, वीडियो लेक्चर्स एंड डायरेक्ट गाइडेंस, फ्री डाउट सेशंस, एवरीथिंग दैट इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर फॉर SSB फ्रॉम होम इज अवेलेबल ऑन दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म. सो डाउनलोड द ऐप एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर SSB. ऑल द बेस्ट टू ऑल कैंडिडेट्स.